सो दोस्तों, ट्विटर के ऊपर अब वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। जिसके पास में भी जो ब्लू टिक था वो अब नहीं रहने वाला है अगर वो $8 पर मंथ पे नहीं करेगा। यहाँ पर कहा गया था कि भैया $5 से $20 के करीब में ये लेंगे पर मंथ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर $8 की कॉस्ट तय करी गई है। तो यानी कि 650 रुपये मंथली देने पड़ेंगे इस ब्लू टिक के लिए। मतलब जितना हम अपने इंटरनेट का एक महीने का देते हैं, वो भी फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, जो भी 200 Mbps का कनेक्शन या 300 Mbps का कनेक्शन भी आजकल इतना सस्ता मिल रहा है, तो उतना ही आपको सिर्फ इस ब्लू टिक के लिए देना पड़ेगा। हालांकि वेरीफाइड यूजर्स को ही मिलेगा ये ब्लू टिक, वो भी पैसे देने के बाद में। तो बहुत सारे यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, आप रो या कंप्लेंट करो या गिड़गिड़ाओ, ये प्लान चेंज नहीं होने वाले। $8 आपको देने ही पड़ेंगे इस ब्लू टिक के लिए, और नहीं चाहिए तो रहने दो। तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने कहा है कि भैया चलो ठीक है, हमें नहीं चाहिए, और कई सारे रखेंगे जो कि 650 रुपये पर मंथ तो दे ही सकते हैं आराम से, मतलब कि 80,000 का जूता खरीद सकते हैं, लेकिन इतने नहीं देंगे क्या। खैर, इसके साथ में कुछ एडिट बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट कम देखने को मिलेगी ट्विटर के ऊपर, और इसी के साथ साथ आपको हाई प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। जो भी आप ट्वीट के रिप्लाई दोगे वो ऊपर आएंगे, वो नीचे नहीं आएंगे, और इसी के साथ साथ सर्च रिजल्ट्स के भी अंदर आपका ही ट्वीट ऊपर आएगा। जिस भी हिसाब से आपने ट्वीट किया है तो उस कैटेगरी के अंदर तो वो ऊपर ही लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था भैया, 84 hours a week के लिए ट्विटर एम्प्लॉयज़ को काम करने को कहा है इस साल तक, जो भी उनके प्लान है उनको अचीव करने के लिए। तो हालत कुछ इस तरीके की है कि ट्विटर के ऑफिस के अंदर कई सारे वर्कर सो रहे हैं। दोस्तों, हम सभी अपने फ़ोन की जो इमेज क्वालिटी है उसको DSLR से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो भी हम फोटो खींचे वो बिल्कुल DSLR जैसी आनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम बढ़िया ही लगती है बोके इफेक्ट के साथ में। लेकिन Xiaomi ने यहाँ पर DSLR का किस्सा ही ख़त्म करने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्होंने 12S Ultra के ऊपर ही एक कॉन्सेप्ट फ़ोन बनाया है। जी हाँ, इसके अंदर 1 inch 50.3 megapixel का सेंसर लगाया गया, और इसी के साथ साथ इसमें लेंसेज भी चेंज किए जा सकते हैं DSLR की तरह। इसके अंदर लाइका एम लेंस लगाए जा रहे हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं। पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके की फिटिंग है, फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट फोन है। अब इसको फ़ोन कहोगे या DSLR कहोगे, मतलब क्या ही कहोगे, जब लेंसेज इसमें चेंज किए जा सकते हैं और फोटोग्राफी भी की जा सकती है कमाल की। दोस्तों, हार्वर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने कुछ हाथ बनाना था प्रोजेक्ट के तौर पर, जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे थे कि किस तरीके से हम चीज़ों को पकड़ने लायक एक हाथ बना पाएँ। तो उन्होंने इंस्पिरेशन लिया ऑक्टोपस से, या फिर कह लो जेलीफिश से, जिसके बाद में उन्होंने कुछ इस तरीके का क्रिपी टेंटिकल ग्रिपर तैयार किया, जो कि हाथ ही बताया जा रहा है रोबोट के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से पकड़ सकता है कोई भी चीज़। मतलब बड़ा अजीब लगेगा देख के कि कई सारे केचुए या सांप कुछ चीज़ को पकड़ रहे हैं। दोस्तों, बहुत से इंडियंस देश विदेश जाते हैं और नाम रोशन करते हैं अपने देश का, लेकिन कुछ लोग बस करप्शन लेके जाते हैं अपने साथ में कि यही करना है और इसी से पैसा कमाना है। तो एक इंडियन ओरिजिन फॉर्मर एप्पल एम्प्लॉय पकड़ा गया है, जिसका नाम धीरेंद्र प्रसाद है, जिसने एडमिट किया है कि हाँ भैया 2011 से अब तक वो एप्पल को चूना लगा रहा था। ये दरअसल सर्विस सेंटर डिपार्टमेंट के अंदर था और ये फेक इन्वॉइस बना दिया करता था, और उसके बाद में जो एप्पल के पार्ट्स लगते थे किसी भी रिपेयर वगैरह करने में, तो वो पार्ट ये बेच देता था बाहर, क्योंकि फेक इन्वॉइस बना दिया कि मैंने इसी प्रोडक्ट की सर्विस करी है, उसमें ये पार्ट लगा है, तो वो पार्ट ये अपने घर ले जाता था और उसके बाद में कहीं भी उसको बेच देता था। तो इस तरीके से करते करते इसने करीबन 17 मिलियन का चूना एप्पल को लगा दिया है अब तक, जो होते हैं करीबन 140 crore rupees, जिसके लिए इसको अब कोर्ट सज़ा भी सुनाएगी, क्योंकि इसने खुद ही एडमिट कर दिया है कि हाँ भाई मैंने ये सब चीज़ें करी हैं, और एप्पल का करीबन 140 crore का भट्टा बिठा दिया है। दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों के पास में 5G वाला फ़ोन है लेकिन 5G के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और एयरटेल का सिम है, तो एयरटेल के CEO ने ये बताया है कि भैया नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर ही आपको 5G के सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं 5G केपेबल, उनको ये सिग्नल देखने को मिलेंगे जिन भी जगहों पर हमने इसकी शुरुआत करी है। लेकिन आईफोन वालों को, चाहे उन्होंने 1.5 lakh का ले रखा हो या 1.75 lakh का ले रखा हो, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा भैया 5G सिग्नल के लिए, क्योंकि उनके लिए तो भैया दिसंबर तक ही ये हो पाएगा। दोस्तों, Zomato से आपने कई बार ऑर्डर किया होगा और कई बार ऐसा फूड आपके पास में आया होगा, कच्चा, अधपका और बेकार सा, जिसको आपने एक बार खाया होगा और उसके बाद में कहा होगा ये तो पूरा खाया नहीं जाएगा, तो आपने वो कचरे में फेंक दिया होगा, जिसके लिए आपने चलो कुछ भी कहा होगा सपोर्ट टीम को कि भैया ये बुरा था, वो था, ये था,
वो कुछ कूपन ऊपन दे देते हैं, 100 रुपये का 50 रुपये का, इस तरीके से बात को दबा देते हैं। लेकिन एक लड़की को जिसका नाम दिशा है, वो एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने शेयर करा अपना एक्सपीरियंस, जिनको सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई एक जोमेटो का ऑर्डर करके। खैर जोमेटो की तो इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट खाना बनाता है, अच्छा बनाता है बुरा बनाता है, गलती उसकी है। लेकिन फिर भी जोमेटो की गलती यहाँ पर ये रहती है कि वो रिव्यू को रिमूव कर देता है। मतलब कोई भी जो रेस्टोरेंट वाला करता होगा या फिर कोई भी करता होगा, लेकिन जो हमारे हम रिव्यू देते हैं ना, अगर हमने नेगेटिव दिए हैं तो वो उसको हटा देते हैं। पता नहीं कैसे हटाए, तो क्योंकि कई बार मैंने भी कई सारे नेगेटिव रिव्यू किए हैं कि भैया इसमें ये कमी है वो कमी है, लेकिन वो काउंट ही नहीं किए जाते, वो गायब हो जाते अगले दिन ही। दोस्तों ये तस्वीर है फिलिपीन के एक स्कूल की, जहां पर ये हेलोवीन का कुछ मजाक नहीं चल रहा है, ये दरअसल एग्जाम चल रहा है और एंटी चीटिंग हैट्स इसको बताते हैं, जो कि बच्चों को पहनाई गई कि अब चीट करके दिखाओ। तो मतलब इधर उधर से नकल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना ही काम करेंगे किसी घोड़े की तरह। और यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट के ऊपर जुगाड़ों की तस्वीरें कम नहीं होती हैं। ये भी एक जुगाड़ है, जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रही है लड़की, लेकिन जो मीटिंग एक्टिविटी चालू हो जाती है कभी भी, तो उसके लिए इसने जुगाड़ कुछ ये बिठाया कि भैया मेरा फेस टाइप का कुछ बना दिया है, जैसे कि प्रिजन एस्केप में कई बार देखा होगा आपने कि कोई बंदा एक नकली हेड बना के उस पर अपने ही बाल चिपका के प्रिजन ब्रेक करके मतलब निकल जाता है, और जब आते हैं पुलिस वाले देखते हैं कि बंदा तो सो रहा है, लेकिन बाद में जब ख्याल आता है उठ ही नहीं रहा, तो देखते हैं तो भैया वो तो नकली होता। तो ये भी कुछ उसी तरीके का ही जुगाड़ है कि मतलब फेस सामने रख दिया, करते रहो मीटिंग, करते रहो एक्टिविटी।